नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ न्यूज़ शेयर करनी है। जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 10% रिजर्वेशन इस साल से इंप्लीमेंट किया जाएगा सभी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अभी जो 10% रिजर्वेशन है उसको लेकर काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं और मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के इस केस के बारे में। ये आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह 10% रिजर्वेशन केस जो है 8 अप्रैल को हेयरिंग होने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे क्या डिटेल दी है, केस किसके बारे में, 10% रिजर्वेशन का आउटकम क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले ऐसा लिखा गया है कि यह जो केस है सुप्रीम कोर्ट का वो 8 अप्रैल को होने वाला है। तो 8 अप्रैल को जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मोस्ट लाइकली ये जो 8 अप्रैल को फर्स्ट हेयरिंग होने वाला है, फिर काफ़ी सारे हेयरिंग होने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या डिटेल दी गई है। सबसे पहली बात, जस्टिस के नाम दिए गए हैं। जस्टिस का नाम है एस ए बोड़े और एस ए नज़ीर। आगे थोड़े से और डिटेल दी गई है कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही होगा कि 10% रिजर्वेशन हटाया नहीं जाएगा, लेकिन यह केस जो है काफ़ी लंबा हो सकता है नीट के प्रिपरेशन के लिए। आप सभी स्टूडेंट को इस पर बहुत फोकस नहीं करना है, आपको जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। जो भी न्यूज़ होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर यह आर्टिकल में इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर केस व अपोजिशन पार्टी जीत जाती है तो 10% रिजर्वेशन हटाया जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट यह 10% रिजर्वेशन कैंसिल नहीं करेगी और इस साल से और अगले साल से 10% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंडिया के सभी कॉलेज में। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।